नमस्कार, आप देख रहे हैं WH न्यूज जन जन की आवाज। खास खबर में आपका स्वागत, मैं विजय खौसे। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करें। अपने मोबाइल पर खबर पाने के लिए बेल दबाएं और ज्वाइन बटन पर जाकर हमारे चैनल के सदस्य बनकर हमें आर्थिक सहयोग करें। आइए देखते हैं आज की खास खबर। धारा 144 लागू कर दी गई है। वही कल मालेगांव, नांदेड़, इन शहरों में भी तोड़फोड़ की घटना सामने आई थी, जिस पर पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई कर स्थिति को काबू में कर लिया है। वही इन मामलों पर कई प्रतिक्रिया आ रही है। वही अमरावती में भी तोड़फोड़ के बाद स्थिति को काबू कर लिया है। वही फिलहाल मामला अमरावती में शांतिपूर्ण है। चारशे पाचशे लोक आले, आम्हाला चार पाच जणांना मारलं त्यांनी, आणि मेडिकल सुद्धा तोडला गेलो, गाड्या सुद्धा तोडल्या गेल्या। बघा, आता आम्ही सत्ता घेऊन आलो पुढे शहरमध्ये। महाराष्ट्र काल काही मुस्लिम लोकांनी मोर्चा काढला, रझा अकादमीच्या नेतृत्वात एक मोर्चा काढला होता। मोर्चे आम्ही पण काढलेले आहे आणि आम्ही असं काही हिंसक वळत कधी आमच्या मोर्चाला लागलेलं नाही आहे। परंतु काल त्या मोर्चात आमच्या काही हिंदू लोकांच्या दुकानाला यांनी तोडफोड केली। आमचं ठरलेलं आहे, आम्ही दगडाचं उत्तर दगडाने देऊ। आज त्यांनी काल एक फोडलं होतं, आज आम्ही तीन फोडले, हा विषय असाच चालणार आहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। काल ज्या पद्धतीने त्रिपुरा येथे जे हिंसा झाली, त्याचबरोबर वसीम रिजवीनी जे पुस्तक लिहिलेलं आहे त्याच्या विरोधात काही संघटनांनी बंद पुकारला होता। या दरम्यान नांदेड असतील या इतर ठिकाणी काही हिंसा झालेली आहे। या हिंसेचा आम्ही कठोर शब्दात निंदा करतो। जे कुठलीही संघटना असे लोकांना आवाहन करताय, त्यांची जबाबदारी असते की आंदोलन करणे किंवा निषेध दर्शवणे हे लोकांचा अधिकार आहे। पण अनगाइडेड मिसाईलसारखा आवाहन करणं आणि त्याच्यावर नियंत्रण नसणे हे योग्य नाही। जे कोणी आंदोलन पुकारत असतील त्यांनी नियोजित पद्धतीने आंदोलनं झाली पाहिजे, त्याच्यातून हिंसा होणार नाही याची दक्षता घेणे हे लोकांची जबाबदारी असते। जे काल घडलेलं आहे ते योग्य नाही। जे कोणी जबाबदार असतील निश्चित रूपाने त्यांच्यावर कारवाया होणारच आहे, पण लोकांनी शांतता ठेवली पाहिजे। आणि ज्या पद्धतीने वसीम रिजवी गेले दोन चार वर्षापासून या देशामध्ये देशातला सलोखा कसा बिघडेल या बाबतीत वारंवार विधानं करताय, काही पुस्तकं लिहिताय, लोकांची भावना हे कुठेतरी दुखवण्याचं काम करताय आणि त्यांच्यावर कुठल्याही प्रकारची कारवाई होत नाही। म्हणजे नियोजित पद्धतीने देशाचं वातावरण कसं बिघडेल हे वसीम रिजवीच्या माध्यमातून या देशामध्ये हे सुरू आहे। वसीम रिजवी ना घटी ही नहीं, उसके ऊपर जिस प्रकार से दंगे महाराष्ट्र में हो रहे ये बिल्कुल गलत है। त्रिपुरा की जिस मस्जिद को जलाया, इस प्रकार की अफवाह उठाई गई,
वहां की पुलिस ने उस मस्जिद के फोटो भी जारी किए हैं और सोशल मीडिया पर जाली फोटो जो दिए हैं उसका भी पर्दाफाश किया है। बावजूद उसके महाराष्ट्र में जिस प्रकार से मोर्चे निकाले गए और विशेष रूप से उन मोर्चों में जो हिंसा की गई और हिंदू समाज के दुकानों को जलाने का प्रयास किया गया, हम इसकी निंदा करते। साथ ही में अमरावती में जो घटना हुई, जिस प्रकार का कल मोर्चा निकला फिर आज उसके ऊपर रिएक्शन हुई, ये सारा अस्वस्थ करने वाला माहौल है। मैं अमरावती के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, विनती करना चाहता हूं, हमारा जो सामाजिक सौहार्द है इसको वो कायम रखे, कोई भी हिंसा न करे। हिंसा करना बिल्कुल गलत होगा और झूठी चीजों के ऊपर इस प्रकार से भड़कना और भड़काना ये भी गलत बात होगी, लेकिन इसके साथ साथ सरकारी पार्टी के लोग स्टेज पर जाकर जिस प्रकार से भड़काने वाला भाषण देते हैं और उसके बाद मोर्चे निकलते हैं, इसका भी कहीं ना कहीं इसकी सुध ली जानी चाहिए, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और सरकार ने ये कौन सी साजिश के तहत झूठी अफवाहों पर मोर्चे निकालकर हिंसा फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, इसके ऊपर भी कार्रवाई करनी। यह थी आज के खास खबर, फिर मिलेंगे खास खबर के साथ, तो देखते रहिए WH न्यूज, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तमाम खबरें के लिए www.whnews.in इस वेबसाइट पर भेज दें। धन्यवाद।